के स्पेन में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। ट्विटर पर एक और तस्वीर कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने जारी की, जुटते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि वीकेंड विद चार्ली रोज 25 जून से 4 जुलाई के बीच हो चुका है। भाजपा ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साल में कहा था डॉक्टर डंगवाल के निधन से साहित्य और पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है। 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी में जन्मे डॉक्टर हिंदी को साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया। कुछ समय पहले ही डॉक्टर वीरेन दिल्ली से बरेली गए थे और तबीयत बिगड़ने के बाद उनको बरेली के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोमवार सुबह अंतिम अपने करियर ले गए। फाइनल मुकाबले में आडवाणी ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को 2408 से 1240 अंकों के बड़े अंतर से मात देते हुए खिताब अपने नाम किया। पंकज आडवाणी ने शानदार खेल का करते हुए खिलाड़ी तौर गिलक्रिस्ट से एक सप्ताह पहले पॉइंट फॉर्मेट चैंपियनशिप में मिली हार का बदला लेते हुए नजर आए हैं। पंकज ने इससे पहले अपना 13वां खिताब कराची में आयोजित विश्व रेड्स और कोकिला से देश और दुनिया में प्रख्यात प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज के चलते देश का नाम रोशन किया, बल्कि अपने गाए हुए चलते कई लोगों के दिलों प्रदेश रखने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर को अपना मुकाम मुंबई में मिला। आपको बता दें कि लता मंगेशकर इंदौर और आसपास के इलाकों में देवी तुल्य पूजी जाती हैं। यहां तक के जरिए पर राज किया तो उनके गानों और गायकी के चलते लोग उन्हें सुरों की देवी कहते हैं। और तो और लता का जन्म स्थल इंदौर से कुछ ही दूर स्थित महू के पास एक पिग डंबर गांव में हुआ, जहां पर एक शख्स ऐसा भी है जिसने के साथ है चुका है। हमारी माँ है वो, और जब दीदी को सुनते थे ऐसा लगता है जैसे कोई देवी का मन प्रफुल्लित होता है और इतनी मन में शांति मिलती है। दीदी ने अभी तक जो 29 भाषाओं के अंदर गाने गाए हैं वो समस्त कलेक्शन इस संग्रहालय के अंदर मौजूद है। और 1932 से
तो फिलहाल खबरों के मैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी